Hello everyone and welcome back to the easiest English learning source Hind Khoj and I am Ishita. Guys, आपने parts of speech तो पढ़ा ही है, but आज हम parts of speech learn करने के लिए एक poem लेकर आए हैं आपके पास. ये poem help करेगा आपको parts of speech जानने में कि कितने हैं और साथ में हम ये भी देखेंगे कि उनका usage कैसे किया जाता है. And this is very easy. एक छोटे से poem में हम सारे parts of speech आज देखने वाले हैं. So let's start. But there is a trivia for you at the end of this lesson. So stay tuned till the end. Now let's start with our poem first. Every name is called a noun. सभी नाम noun होते हैं. Every name is called a noun. सभी नामों को noun कहते हैं. A field, fountain, street or town. कोई field हो, fountain हो, या street हो, या फिर town हो. अब ये आप देख सकते हैं noun को मैंने block में लिखा है और noun क्या क्या है? वो field, वो fountain, या street, या फिर कोई town. तो ऐसे ही पूरी poem को frame किया गया है. In place of noun, the pronoun stands. Noun की जगह पर हम pronoun use करते हैं. As he and she can clap their hands. So he और she को मैंने use किया. क्या कर रहे हैं वो? Hands को clap कर रहे हैं. So he and she are pronouns. The adjective describes a thing. किसी चीज को जो word describe करती है वो adjective है. As magic wand and bridal ring. So वो ring क्या थी? Bridal ring थी. Describe किया उन्होंने. और वो जो wand था उनके पास वो एक magic wand था. The verbs mean action, something done. Verb किसे कहते हैं? कोई भी action या कुछ किया जाए तो उसे हम verb कहते हैं. As read and write and jump and learn. ये सारी क्या है? Action words हैं. पढ़ना, लिखना, jump करना, कूदना and याद करना. How things are done, the adverbs tell. जितनी भी words ये कहती हैं कि चीजों को कैसे किया जाता है, वो adverbs होते हैं. As quickly, slowly, badly, well. So ये सारे adjectives. The preposition shows relation. As in the street or at the station. So वो कहाँ थे? In the street. और ये at the station. So यहाँ position बताया गया है. Conjunctions join in many ways. Conjunction क्या करते हैं? Join करते हैं. Sentences and words or important phrase. So यहाँ हमने sentences और words को join किया and से और words और important को join किया है हमने और से. The interjection cry out hark. I need exclamation mark. अगर आपको word के आगे exclamation दिखे तो वो हम interjection use कर रहे हैं. यहाँ hark का मतलब है listen. तो ये एक sound वाला word है hark. तो इस poem को आप learn कर लीजिए और आपको सारे parts of speech याद हो जाएंगे, I'm sure. Now it's time for some trivia, guys. Trivia में आज again India related ही मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ. आपको पता है India में एक train है जिसे कहते हैं जीवन रेखा एक्सप्रेस और इसे लाइफलाइन एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है. और ये है वर्ल्ड का सबसे पहला हॉस्पिटल ट्रेन. इसके अंदर सर्जरीज भी होती हैं, कैंसर की ट्रीटमेंट्स भी की जाती हैं और ये लाइफलाइन एक्सप्रेस रिमोट एरियाज में, विलेजेस में जाकर लोगों की ट्रीटमेंट करता है. सो ये है इंडिया की खास बात कि वर्ल्ड का सबसे पहला हॉस्पिटल ट्रेन हमारे पास है, द लाइफलाइन एक्सप्रेस, जिसे जीवन रेखा एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है. आई होप यू लाइक द ट्रिविया एंड द वीडियो. स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियो लेसंस गाइस एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू बी अपडेटेड. टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग.